हरिद्वार विजिट के दौरान ही हम आए हुए हैं अभी पतंजलि योग फिट फेज टू, जहां पर हम पतंजलि औषधीय उद्यान का भ्रमण करने आए हैं। आइए आपको कुछ चीज़ें मैं दिखाता हूं अपने कैमरा के थ्रू, क्या क्या है इस औषधीय उद्यान में, कौन से औषधीय पौधे हैं यहां पे, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे इस उद्यान के अंदर। एंट्री गेट है और देखिए कितना खूबसूरत बनाया गया है इस उद्यान को। ऐसे बोर्ड्स लगे हुए हैं, इंफॉर्मेटिव बोर्ड्स, जिस पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। तो ऐसा लग रहा है जैसे प्रकृति के गोद में हम आ गए हैं और ऐसी अनुभूति हो रही है कि शहर में जिन चीज़ों से हम दूर रहते हैं, यानी हमारी प्राकृतिक जो है नेचर जो है उससे जो हम दूर रहते हैं, चिड़ियों की चहकने की आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी यहाँ पे। यहाँ पर हर पेड़ पे पेड़ का नाम और इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है। तो इस तरीके का ये उद्यान है कुछ। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा रोपित पौधे, ये देखिए, ये माननीय प्रधानमंत्री द्वारा लगाए हुए पौधे हैं। इस तरीके से यहाँ पर जितने भी हमारे देश के माननीय और जो नेताजी लोग हैं उनके द्वारा लगाए गए कुछ पौधों का संकलन यहाँ पर इस उद्यान में दिखेगा हमारे टीम के साथ। जी सर, दिखा दिया हूँ, साथ में रवि सर हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो पौधा लगाया है उस चीज़ को इंडिकेट करते हुए योग गुरु आदि अमित सर हैं और ये अंजलि है। केवल मोदी जी ही नहीं, बहुत सारे लोगों ने लगाया है, अंदर लिखा हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र रावत जी द्वारा, ये उत्तराखंड के ही कोई मुख्यमंत्री रहे होंगे, उन्हीं का नाम है। और ये फ्रेम में रखा एक सील है, शिला है, जिसपे हमारे जो योग गुरु हुआ करते थे उन सब की प्रतिमाएं लगी हुई हैं। प्रमुख राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ श्री मोहन भागवत जी भी यहाँ पौधारोपण करके गए हुए हैं इस उद्यान में, और उसको दिखाते हुए रवि सर और संजय किसान सर राज्यपाल हिमाचल प्रदेश द्वारा रोपित पौधे। वाह, बहुत ही आनंद कर देने वाला ये उद्यान बनाया गया है। ज्ञान गुहा, ज्ञान गुफा में आपका वेलकम है। तो अंदर हम गुफा में चलेंगे अब, केव ऑफ नॉलेज जिसको कहा गया है। यह राष्ट्र का पहला आयुर्वेदिक संग्रहालय माननीय श्री प्रधानमंत्री जी को समर्पित है। तो आइए अंदर चलते हैं, देखते हैं इसमें गुफा द्वार। क्या बात है, ओके, वास्तव में अद्वितीय, अकल्पनीय। और अंदर में पूरी ऋषि परंपरा, कहने वाले तो किसी को कुछ भी कह दिया करते हैं, क्योंकि ईश्वर ने दिया है आपको बोलने की शक्ति। हाँ, कुछ लोग कुछ भी बोल देते हैं, हमारे देखिए गुफा के अंदर ऋषि परंपरा को दिखाया जा रहा है। चलिए यहाँ पर एक धन्वंतरी जी का है, आज आयुर्वेद के जो जनक रहे हैं हमारे, फाउंडिंग फादर ऑफ आयुर्वेद। महाभारत एवं पुराणों के अनुसार समुद्र मंथन से उत्पन्न 14 रत्नों में से एक रत्न धन्वंतरी रोगों से पीड़ित संपूर्ण विश्व को आरोग्य प्रदान करने हेतु अमृत कलश रूपी पवित्र एवं कल्याणकारी आयुर्वेद के ज्ञान के साथ पृथ्वी पर अवतरित हुए। उनकी एक प्रतिमूर्ति यहाँ पर लगी हुई है इस केव में। ये कुछ है, योग के मुद्रा, योग के पोस्चर मुद्रा है। ये सोने मुद्रा, ये वायु मुद्रा, वायु मुद्रा। ये रहा आपका ज्ञान मुद्रा, शून्य मुद्रा, धारण शक्ति, वायु मुद्रा, धारण शक्ति, ज्ञान मुद्रा, लिंग,
धारण शक्ति, लिंग, सूर्य मुद्रा, वरुण, सारे मुद्राओं का डिपिक्शन यहाँ पे है, किस तरीके से हमें कौन से फिंगर से टच करके कौन से मुद्रा को अपनाना है। प्राण मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा, इधर इधर देखिए, और देखिए, पहले ये है। अंजलि कहाँ खो गई? अंजलि खो गई इसमें क्या? नहीं, वो उसको जी कुछ समझाइए सर। अमित जी, योग गुरु अमित जी, पतंजलि ऋषि की उनका एक मुद्रा, उनका एक पोस्चर, और ये जितना भी देख रहे हैं ये ओकल जो औषधि बनाने के लिए जो इस्तेमाल किए पुराने जमाने से और अब तक में आधुनिक युग तक में सभी व्यवस्था को रखा गया है। एक से एक सिलवट देख रहे हैं, है ना, हर काल हर समय का है। और ये फिर इधर देख सकते हैं सीढ़ी कुदाल, हाँ जी, पानी खींचने वाला, अच्छा इधर आ जाइए, पुराने जमाने का बर्तन टोकरी। देखिए भारत कितना बड़ा समृद्ध था, आज के समय में जहाँ लोग प्लास्टिक के बर्तन और अल्मोनियम में स्टील में खाते हैं, और वो पूर्व में देखिए भारत कहाँ वो कांस्य पीतल तांबे माने जो भी कह सकते वो धातु जो हमारे शरीर के लिए और प्रकृति के लिए बहुमूल्य है, उस समय का फ्रिज वहाँ का उस बर्तनों का इस्तेमाल करते थे और पूरे परिवार को स्वस्थ रखते थे। देखिए ये गुरुकुल बाएं तरफ से लेट के ये एक एक पोस्चर समझाया गया कि भोजन के बाद बाएं करवट में सोने का तरीका। त्रिविध औषध ये भी एक पोस्चर है, और ये जो यहाँ पे दिया गया है वात पित्त कफ, कफ बच्चे में होता है, वात युवावस्था में, और पित्त होता है युवावस्था में, और वात होता है जो सीनियर सिटीजन होते हैं उम्र के बाद। वो तीनों प्रकृति को दिखाया गया त्रिदोष सिद्धांत के अनुसार, वात पित्त कफ। कैसे औषधि उपचार होता था ऋषियों के द्वारा, ऋषि परंपरा के द्वारा, पंचकर्म चिकित्सा विधि दिखाया गया है, जल नेति सूत्र नेति ये मीच के द्वारा थेरेपी किया जा रहा है। ये जल नेति ये सिरोधारा